तो इस क्वेश्चन को देख के हमें क्या लगता है, सबसे पहली बात जो आपको दिखनी चाहिए कि ये डायरेक्ट कैलकुलेटिव नहीं है। ऐसा क्यों लगा? जब आप पाई बाय टू प्लेस करोगे तो टेन टू इंटू पाई बाय टू, तो ये आपका टेन पाई हो जाएगा और टेन पाई आपका जीरो होता है। और नीचे आप पाई बाय टू प्लेस करोगे तो पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू आपका क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब न्यूमरेटर भी जीरो हो गया, डिनोमिनेटर भी जीरो हो गया, तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म होगी, मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो अब समस्या बढ़ गई है कि अब आप इसे कैसे अप्रोच करोगे। तो सबसे पहली बात, जितनी भी आप स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ते हो वो एक्स अप्रोचिंग टू जीरो होता है, तो हम पहले इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करें, बाद में हम देखेंगे कि क्या करा जा सकता है इस क्वेश्चन के साथ। तो एक्स माइनस पाई को हमने, एक्स माइनस पाई बाय टू को हमने कुछ से वाई अज्यूम कर लिया, लेट तो एज एक्स अप्रोचिंग टू पाई बाय टू, अगर एक्स पाई बाय टू को अप्रोच कर रहा है, दैट इंप्लाई कि एक्स माइनस पाई बाय टू दैट इज अप्रोचिंग टू जीरो, और एक्स माइनस पाई बाय टू को हमने वाई माना है, तो दैट इंप्लाई वाई इज अप्रोचिंग टू जीरो। इसका मतलब कि ये पूरा ही क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा वेरिएबल वाई में, तो लिमिट वाई अप्रोचिंग टू जीरो, और ये हो गया टेन ऑफ टू टाइम्स, टेन ऑफ टेन ऑफ टू टाइम्स। अब एक्स है तो एक्स को क्या लिखा जाए, तो एक्स को यहां से आप देखो तो एक्स को आप लिख सकते हो इस चीज से, आप एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू प्लस वाई, ठीक है। तो यहां पे एक्स को आप पाई बाय टू और एक्स माइनस पाई बाय टू को वाई हम लोगों ने एज्यूम किया ही था। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आप अलर्ट रहिए कि वो मिस्टेक ना हो जाए, ट्रिग्नोमेट्री आराम से आप डील करिए। तो वाई अप्रोचिंग टू जीरो, अब टू अंदर अगर जाता है तो टेन ऑफ वाई अप्रोचिंग टू जीरो, टेन ऑफ टू इंटू पाई बाय टू, तो ये तो पाई बन जाएगा लेकिन टू वाई में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका टू वाई। अब ये आपका जो क्वाड्रेंट हो गया पाई प्लस 2y, पाई प्लस 2y मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC के हिसाब से t पॉजिटिव होता है, मतलब tan पॉजिटिव होता है। अगर tan पॉजिटिव होता है तो आप उसको क्या लिखोगे, tan पाई प्लस 2y इज रिटेन एज ए, या tan पाई प्लस थीटा इज रिटेन एज ए tan थीटा, फेस चेंज भी नहीं होगा, ये tan ही रहेगा। तो लिमिट y अप्रोचिंग टू जीरो, ये हो गया आपका टेन टू वाई अपॉन वाई। अच्छा, यहां से क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही समझ में आता है कि जैसे साइन थीटा पे थीटा वन होता है वैसे टेन थीटा पे थीटा वन होता है, लेकिन चूंकि ये स्टैंडर्ड एज ए स्टैंडर्ड लिमिट हम यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं साइन थीटा बाय थीटा, तो हमें उस प्लेस तक ले जाना पड़ेगा या उस फॉर्म तक हमें अपियर करना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो हम यहीं पे इसे साइन के थीटा बाई या टेन के थीटा बाई थीटा हम लोग के कह देते हैं, ठीक है, एज थीटा अप्रोचिंग टू जीरो, मतलब इसका आंसर टू आएगा, लेकिन उस चीज को हमें अपियर करना पड़ेगा टेन थीटा बाई थीटा इस्तेमाल करके, ठीक है, अदरवाइज वो एक्सेप्टेबल सोल्यूशन नहीं है। तो टेन टेन थीटा क्या होता है, टेन होता है आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो दैट इज रिटन एज ए साइन टू आई अपॉन कॉस ऑफ टू आई, और ये y डिनोमिनेटर पहले से पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे आप लिमिट y अप्रोचिंग टू जीरो, y अप्रोचिंग टू जीरो साइन ऑफ टू वाई अपॉन y और इंटू वन बाई कॉस ऑफ टू वाई। अब देखिए जो ये फर्स्ट पार्ट है, साइन थीटा बाई थीटा में किसी की कमी है तो यहाँ पे टू नहीं है, ऊपर टू है यहाँ टू नहीं है, तो टू से हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उस चीज को एडजस्ट करने के लिए आपको न्यूमरेटर में फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो साइन थीटा बाय थीटा बन गया, और ये दूसरा वाला पार्ट तो डायरेक्ट कैलकुलेटिव है, जब आप जीरो प्लेस करोगे तो कॉस जीरो बन जाएगा जो वन होता है, तो इसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग एलजेब्रा ऑफ लिमिट इस्तेमाल करके इन दोनों ही को अलग अलग कर देते हैं। तो ये टू सबसे पहले, ये वाला जो टू है इस टू को हमने क्या कर लिया, बाहर ले लिया, तो दैट इज लिमिट वाई अप्रोचिंग टू जीरो साइन ऑफ
2y अपॉन 2y इनटू लिमिट y अप्रोचिंग टू 0 1 by cos of 2y. अब पहला वाला पार्ट तो आपका स्टैंडर्ड हो गया 1, और दूसरे वाले में आप डायरेक्ट कैलकुलेटिव तो वहां पे वैल्यू आप प्लेस कर दोगे cos 0, सब मिला जुला के आपका 2 आ गया है.